श्री नारद जी महाराज अपनी प्रशंसा मान रहे थे। अभी तक तो समझते थे भगवान कृपा से सब हो रहा है, पर जिस दिन अपनी आप मान लिए कि मेरे द्वारा हो रहा है उसी दिन आपका पतन चालू है। ये श्री नारद जी से हनुमान जी के प्रसंग में आता है कि हनुमान जी की जब प्रशंसा होने लगी हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा नहीं मानी, उन्होंने इतनी प्रशंसा भगवान करने लगे। उन्होंने कहा वाह हमने सुना है कि तुम लंका समुद्र पार कर दिया, हमने सुना है तुमने लंका जला दी, हमने सुना है तुमने इतने पुत्रों को मार दिया, तुमने अक्षय को समाप्त कर दी, तुमने अशोक को समाप्त कर दिया, इतनी प्रशंसा। और जामवंत जी तो और प्रशंसा ने, जामवंत ने कहा महाराज क्या बताऊं, ऐसा ऐसा काम करके आए हैं इनके लिए क्या पूछना, अगर ये नहीं होते तो अभी तक तो सीता नहीं होती। इतनी प्रशंसा हनुमान जी महाराज की, इतनी प्रशंसा। पर हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने ये नहीं कहा आप रघुराई आप नगज मोहरी, ये सरकार ये मेरी प्रभुता नहीं है, ये सब आपकी प्रभुता है, आपके कारण ये सब हो रहा है, आपके अगर कृपा नहीं होती तो कुछ हो नहीं पाता। और नारद जी यही चुप गए, नारद जी समझने लगा लगता है यार कि ये हमारी प्रशंसा होने लगी। अब जब प्रशंसा हुई तो अहंकार जाग गया, अहमिति अभिमान, नारद जी को अहंकार जागा। नारद जी सोचा कहाँ जाओ कैसे करूँ, कहाँ जाया जाए, और ऐसा कौन है जो काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लोभ को जीता हो, मैंने काम को जीत लिया, काम कला कुछ मुँह नहीं न व्यापी, काम कला कुछ व्यापा नहीं, मैंने क्रोध की लिया भय उन नारद मन कुछ रोसा, मुझको रोष भी नहीं हुआ, और मैंने लोभ को जीत लिया कहीं भी वचन काम परितोषा, इसे परितोष को लोग उनसे कहा बेटा तू चिंता मत कर चला जा, मुझको कोई लोभ नहीं है स्वर्ग का, जाकर बता देना, मैंने काम भी जीत ली, मैंने क्रोध भी जीता, मैंने लोभ भी जीत लिया, ऐसा कौन ऐसा है संसार में जो मेरे समान हो। याद किया विचार किया तो भूत भगवान की बात आई, भगवान ने कहा यार काम को जीता नहीं चला दिया भाई, और मैं तो जीत लिया, और लोभ ये भी मेरे में ज्यादा है, क्रोध भगवान को क्रोध आ गया, मुझको तो क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने सोचा कि चलो अब चलना चाहिए बताने के लिए, कहाँ जाऊँ, तो भगवान तो साक्षात अहंकार के स्वरूप है, अहंकार से बुद्धि अज मन सचित महान, भगवान तो स्वयं अहंकार है, नारद जी को है अहंकार, तो अहंकार अहंकार की तरफ खींच लिया, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है अपने तरफ खींच लेता है, जैसे चुंबकत्व है वो अपने तरफ लोहा को खींच लेता है, या चुंबक